गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में मैं दुर्धनकर फॉर्मर एस बी आई पी हूँ आज फिर से आप लोगों के लिए एक और रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ एस बी आई क्लर्क मीन्स को टारगेट करते हुए ये सेशन रहेगा जहाँ पर दो बहुत ही अच्छी पजल हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाइए सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और बताइए कैसे हैं आप सभी के सभी सलील श्रुति और संपदा ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू बाकी लोग भी जुड़ जाएँ फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चलिए बताइए कैसे हैं आप सभी के सभी अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है डेली मैं आप लोगों के लिए दो सेशन लेकर आ रहा हूँ एस बी आई क्लर्क मेन्स को टारगेट करते हुए सुबह साढ़े ग्यारह बजे और रात को आठ बजे ठीक है अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है कल कल का दिन और है फिर परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है ठीक है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए जो जो चीज़ें करना बाकी है उनको एक बार कीजिए और कल तक के लिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा ही कीजिएगा फिर परसों से तो आपका एग्ज़ाम ही है तो कल कल मैं सेशन और रखूंगा एट बजे का आठ बजे का जो कल का सेशन है मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं लूंगा कल आठ बजे का सेशन मैं नहीं लूंगा सुबह साढ़े ग्यारह बजे का जरूर लूंगा क्योंकि आठ बजे फिर ज़्यादा लेट हो जाता है तब तक स्टूडेंट जनरली पढ़ते नहीं है रिलैक्स कर रहे होते हैं थोड़ा हल्का फुल्का रिविजन करते हैं और जो सही भी है पूरे दिन कल पढ़ने की जरूरत नहीं है सुबह की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं उसके बाद आराम से बैठ के रिवाइज़ कीजिएगा अब आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए दो बढ़िया लेवल की पज़ल लेकर आया हूँ मींस लेवल की पज़ल्स रहेगी उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे अब कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया है निरंजन वर्षा सोनल वैभव संपदा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यार आप सभी का स्वागत है अब इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस चाहते हैं या फ्यूचर में भी क्लर्क मेंस के बाद भी मेंस की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए आप मेरे अन अकेडमी प्लस के कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर खूब कंटेंट है प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल को डी एच आर यू वी एस आई आर आप यूज़ करके सीधा सीधा टेन परसेंट डिस्काउंट गेन कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ठीक है तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा निरंजन कह रहे हैं सर आज का जो पजल है में एम एंड एन का डेटा गलत है निरंजन यार पूरी क्लास ही नहीं देखी फिर तो फिर तो पूरी क्लास ही नहीं देखी ना एम और एन का सभी को पता है ना जिन्होंने क्लास अटेंड की थी हाँ भाई एक बार जल्दी से कमेंट कर दो एम और एन का करेक्शन था या नहीं था नाइट राइडर ने ज्वाइन कर लिया है सलील भी ज्वाइन कर चुके हैं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है अन अकेडमी द्वारा जो लॉन्च की जा रही है एक नवंबर से उसके बारे में फटाफट से बता देता हूँ फ्री टेस्ट सीरीज है टाइम्स नाम से नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लीजिएगा इकतीस तारीख का एक बार एग्जाम हो जाए तो एक तारीख से अपने आई क्लर्क के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्री और मीन्स की पैरल में ठीक है तो इसके लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज इन्होंने लॉन्च की है पहले दो हफ्ते प्री की तैयारी प्री के लिए टेस्ट रहेंगे सेक्शन टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट और आखिरी के दो हफ्तों में रहेंगे आपके मेंस के टेस्ट सेक्शनल एंड फुल टेस्ट तो इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एक भी रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है तो उसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोग मिस ना करें और जो मिस कर जिन्होंने पहले नहीं सुनाओ अब जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा सेशन के बाद एनरोल कीजिएगा और एक तारीख से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जहाँ पर डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस रहेगा और चौथे हफ्ते में आपको एक स्ट्रेटेजी सेशंस भी दिए जाएंगे जो जो भी अन अकेडमी पे एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए रहनी चाहिए तो ये जो टेस्ट सीरीज है एक नवंबर से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है नीचे लिंक दिया हुआ है एनरोल आप लोग कर सकते हो चलिए निरंजन क्लियर है जिन जिन लोगों ने सुबह की क्लास देखी नहीं थी ना और वो सीधा रिकॉर्डेड देख रहे थे तो वहां पर एम और एन का डेटा दे रखा था एम और एन का मैं करेक्ट करवा दिया था एम और एन मैंने निरंजन करेक्ट करवा दिया था उसको बी और सी बी और सी का करेक्शन मैंने करवा दिया था ठीक है चलिए हेलो सर दिस इज ऐश्वर्या गुड इवनिंग ऐश्वर्या देन और कौन कौन है आदेश ने भी ज्वाइन कर लिया है कोमल प्रियंका भास्वती सुप्रीत अनिश अनिश कह रहे हैं सर कल रिकॉर्डेड अपलोड कीजिएगा क्यों लाइव नहीं लेनी क्या बता दो पहले ही बता दो कल का बता दो एक बार सीन आप लोगों का आज ये दो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं तो एक बार सब एक बार सजेस्ट कर दो जल्दी से कल साढ़े ग्यारह बजे की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड अपलोड करूं क्या कल इलेवन थर्टी एम का जो सेशन है रिकॉर्डेड अपलोड करूं या लाइव करूं लाइव चाहते हो या फिर रिकॉर्डेड चाहते हो बता दो मेरे को उसके अकॉर्डिंग अपने कर लेंगे क्योंकि आठ बजे की क्लास तो मैं नहीं लूंगा आठ बजे की क्लास मैं नहीं लूँगा सुबह साढ़े ग्यारह की लूँगा फिर आठ बजे ज़्यादा लेट हो जाएगा तब तक वैसे भी आप लोग अननेसेसरी परेशान होने लग जाओगे तो रिलैक्स करना ही बेटर रहता है संपदा कह रहे हैं सर कल नहीं लाइव सर लाइव दे रहे हैं रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कुछ रिकॉर्डेड बोल रहे हैं ओके सोनू सर कल रिकॉर्डेड अपलोड कीजिएगा यस सर रिकॉर्डेड अच्छा रिकॉर्डेड चाहते कुछ रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कुछ लाइव बोल रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलो देख लेंगे यार एक बार सेशन को लाइक कर दो सेशन को फटाफट से लाइक कर दो फिर रिकॉर्डेड डाल देंगे और क्या कल का सुबह साढ़े ग्यारह बजे वाला सेशन ऐसा करूंगा मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा फिर रिकॉर्डेड डाल दूंगा कोई टेंशन की बात नहीं कोई टेंशन की बात नहीं एक बार सेशन को लाइक कर, कर दो शेयर कर फटा दो फटाफट से ईयर एज बेस्ड पजल और लीनियर रो ब्लड रिलेशन पजल है विद डायरेक्शन वेरिएबल ये दोनों पजल बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे सवाल आप लोगों के सामने वाला आने वाला है एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार बहुत कम लोग देख रहे हो सोलह ही जने देख रहे हो मन ही नहीं कर रहा अब तो कल तो लाइव लूंगा ही नहीं फिर कल लाइव लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं आप लोग लाइव देखने ही नहीं वाले अभी नहीं देख रहे तो कल तो कोई चांस ही नहीं है ठीक है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आप लोगों के सामने है सवाल आप अटेम्प्ट करो यार लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला बैटरी जाने वाली है तो मैं एक बार चार्ज पे लगा देता हूँ आप लोग अटेम्प्ट कीजिए आराम से ठीक है चलो करो 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 सवाल आप लोगों के सामने है अटेम्प्ट कीजिए कल का सेशन फिर अपने रिकॉर्डेड डालूंगा साढ़े ग्यारह बजे शायद ही डाल पाऊँ थोड़ा लेट हो जाएगा बारह बारह साढ़े बारह तक बच जाएगा और कल के सेशन में मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी लेवल की पजल डाल दूँ कल एक बढ़िया लेवल की हाई लेवल की जो होती है ना बिल्कुल हाई उस लेवल की एक पजल डाल दूँ आप लोगों के लिए और कल एक वीडियो और डालूंगा यार मैं कल एक हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन के नाम से उसको जरूर देखिएगा गुड इवनिंग कार्तिक ये गुड इवनिंग ये जी दोनों का ही स्वागत है यार वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए आज का पहला सेट आप लोगों के सामने है जैसे कि मैंने कहा दो सेट आज हम सॉल्व करेंगे पहला सेट आप लोगों के सामने है करो अटेम्प्ट ज़्यादा खास लेवल नहीं है दिखने में ऐसा लग रहा है दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो जाएगा पर सॉल्व करोगे ना तो आराम से हो रहा है सॉरी एज एक्सपीरियंस चलो अटेम्प्ट करो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा क्वेश्चन ये ले लेते हैं। आई नहीं ले क्या सीबीआई छोड़ो कुछ और देखते हैं एक मिनट हो तो है एसबीआई लो आपका फेवरेट बैंक आपका फेवरेट बैंक एसबीआई लेते हैं करो अटेम्प्ट सभी के सभी शांति से अटेम्प्ट करो दो सवाल आज हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कीजिए हाँ भाई कल का जिन जिन लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है ना गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज दो सेट्स हम सॉल्व करने वाले हैं और कल के लिए मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कल लाइव सेशन नहीं रहेगा मैं रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा एग्जैक्ट साढ़े ग्यारह बजे तक डले प्रॉमिस नहीं करता हूँ पर बारह साढ़े बारह बजे तक डल जाएगा वो एक हाई लेवल फसल मैं सॉल्व करवा दूंगा उसमें और इसके अलावा फिर एक वीडियो मैं और बनाऊँगा हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन के नाम से हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन के नाम से जिसमें कोई एक मॉक मैं आपको दिखा दूंगा कि ये मॉक है पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा कि मैं इसको अटेम्प्ट किस तरह से करता कि कौन से क्वेश्चन पहले रखता कौन से बाद में रखता कैसे देख के करता तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा चलो एजे और कार्तिकेय का ऑलरेडी आ चुका है पूजा का भी आ चुका है अभी कंप्लीट कर लेना सभी से रिक्वेस्ट है सभी से रिक्वेस्ट है कंप्लीट कर लेना सभी से रिक्वेस्ट है कंप्लीट कर लेना संपदा का भी ट्वेंटी नाइन ए आ चुका है बहुत ही बढ़िया सभी से रिक्वेस्ट है कंप्लीट कर लेना एजे बोल रहे हैं डन है सर ये तो बाकी लोग भी डन कर लो फटाफट से डुएबल क्वेश्चन है टाइम के अंदर होने वाला सवाल है दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या बनेगा पर ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा आराम से बन जाएगा यार आराम से हो जाएगा पूजा का भी डन है शाबाश वेरी गुड कोमल का भी आ चुका है चलो वेरी गुड वेरी गुड आदेश का भी डन है बाकी लोग भी डन कर लो फिर मिनट भर के अंदर अंदर हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा वेट और करते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी सॉल्व कर लें फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं इसके बाद फिर एक पजल और देखेंगे अब यार अगर आप लोगों को याद हो हाँ भाई अगर आप लोगों को याद हो इसी टाइप में कल एक क्वेश्चन किया था वो कितना लेंदी था भाई उसमें तो बीस एक मिनट तक लग रहे थे अगर अच्छे से सॉल्व करो ना बीस एक मिनट तक लग रहे थे अगर इसी टाइप पे हमने इसी टाइप पे हमने कल एक सवाल सॉल्व किया था देख के नहीं पता चलता सिर्फ देख के ऐसे हम आइडिया लगा ले कुछ क्वेश्चन का लग जाता है पर हर किसी का आइडिया नहीं लग पाता है वो थोड़ा सा एक बार हम रफली एक बार लिखते हैं करते हैं तब पता चलता है धीरे धीरे चलिए सुप्रीत का भी डन है किसका है हाँ ये कह रहे हैं बारह पॉसिबिलिटी बिल्कुल पर अपने ने बारह पॉसिबिलिटीजी बारह नहीं थी चार के अंदर ही चेक कर लिया था बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके चार पॉसिबिलिटीज़ में ही चेक कर लिया था चलो स्टार्ट स्टार्ट यार फिर start करते हैं सवाल में क्या था एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे सिक्स परसेंट छह लोग दे रखे हैं ज्वाइन डिफरेंट बैंक्स इन डिफरेंट इंस ठीक है अलग अलग बैंक्स अलग अलग साल में ज्वाइन करते हैं और बैंक्स का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा पी एनबी यूबीआई सीबीआई एंड ट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ऑब्वियसली देयर एक्सपीरियंस इज काउंटेड एज ऑन ईयर ट्वेंटी नाइनटीन अच्छा एक्सपीरियंस दो हजार उन्नीस से काउंट करना है एंड ओनली इंटीजर्स आर कंसिडर्ड मतलब ऐसा नहीं कि एक साल और कुछ महीने इस तरीके से नहीं लेना है इंटीजर स्पेसिफिकली लेना है अब यार अपने अंदर का कंटेंट पढ़े उससे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब भी नोट दिया जाता है ना तो नोट को सबसे पहले पढ़ दिया करो नोट को सबसे पहले पढ़ दिया करो जैसे कि नोट में क्या देखा है इफ इट इज सेट दै द एक्सपीरियंस ऑफ सम वन इज इक्वल टू दस्ट टू डिजिट ऑफ दर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ समन एल्स देन द एक्सपीरियंस विल बी इधर ट्वेंटी सेवन और सेवेंटी टू अच्छा ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है जैसे कि नाइनटीन सेवनटी टू है वो ईयर उसने ले लिया होगा नाइनटीन सेवेंटी टू और आखिरी दो का वो पूछ रहा है कि आखिरी दो कुछ भी हो सकता है बोला गया है तो सत्ताईस भी हो सकता है बहत्तर भी हो सकता है मतलब कुछ भी सिक्वेंस रह सकती है कुछ भी इसका लास्ट दो डिजिट्स का ऑर्डर रह सकता है ठीक है सर ये तो हमें पता ही रहता है इसके बारे में नो बडी before बिफोर फिफ्टी फोर एंड आफ्टर दो हज़ार एक अच्छा चौपन से पहले किसी ने ज्वाइन नहीं किया और दो हज़ार एक के बाद तो एक लिमिट आपको लगा दी नाइनटीन फिफ्टी फोर से लेकर टू थाउजेंड वन के बीच का ये अब तीसरा है ओनली वन पर्सन इन वन ईयर एंड बिलोंग्स टू वन बैंक ओनली अच्छा एक साल में एक का ही होगा ऐसा नहीं कि कई एक ही साल में एक ही साल में बैंक ज्वाइन कर रहे हैं और एक बैंक से एक ही पर्सन की वर्किंग है ऐसा नहीं कि एक बैंक में दो दो लोग काम कर रहे हैं ठीक है सर ऑब्वियस ही चीज़ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से अब कोई ऑर्डर हमें दे नहीं रखा तो फटाफट से क्या करें सर आप पर्सन के अकॉर्डिंग आउटले बना लो ए बी सी डी ई एफ छ ही थे क्या भाई, छह ही लोग थे बना लिया अब यहां पर सर रख लो साल यहां पर रख लो एज सॉरी एक्सपीरियंस और यहां पर रख लो उनका बैंक रख लो ठीक है सर ये रहा कर लिया अब और केस बनाने की जरूरत पड़े तो थोड़ी सी जगह यहां पर छोड़ देते हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन राइट साइड में लिख लेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है द वन विद द सेकेंड हाइएस्ट एक्सपीरियंस वर्कस इन पी एन बी तो यार अभी सेकेंड हाईएस्ट है कितना ये तो नहीं पता पर यहां पर सिर्फ इतना लिख लेते हैं सेकेंड हाइएस्ट और उसके पी एन बी के आगे ठीक है सर डी हु हुक्स इन सी बी आई अच्छा डी का बता दिया है कि डी सी बी आई में ही काम करेगा एंड ज्वाइंट थर्टीन ईयर्स बिफोर ही ई से कितना पहले ज्वाइन किया है? सर ई e से तेरह साल पहले ज्वाइन किया तो ई माइनस तेरा आपको डी दिया जा रहा है अब ई e का एग्जैक्ट साल भी बता दिया है कितना बताया नाइनटीन सेवनटी सिक्स हां भाई ई e का एग्जैक्ट साल आपको बता दिया गया है नाइनटीन सेवनटी सिक्स अब नाइनटीन सेवनटी सिक्स से डी कैसे निकल जाएगा माइनस तेरह कर दो यार माइनस तेरह कर दो नाइनटीन सिक्सटी थ्री आ जाएगा ठीक है सर अब दोनों का क्या करो फटाफट से दोनों का फटाफट से ऐसा करो वो लिख दो एक्सपीरियंस लिख दो दोनों का आप अपने क्या करते हैं एक्सपीरियंस लिख देते हैं एक का आ जाएगा फोर्टी थ्री आ जाएगा और एक का आपका आ जाएगा फिफ्टी सिक्स हां जी सभी के क्लियर है क्या फोर्टी थ्री और फिफ्टी सिक्स आ जाएगा यहां तक कोई इशू नहीं है सर आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा था द एक्सपीरियंस ऑफ सी इज इक्वल्स टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डी अच्छा सी का जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट दो डिजिट्स है डी का डी का सर सिक्सटी थ्री है लास्ट दो डिजिट सिक्सटी थ्री और थर्टी सिक्स दोनों ही हो सकता है सिक्सटी थ्री और थर्टी सिक्स दोनों ही हो सकता है तो यहीं पर दो केस बन जाएंगे क्या एक बार जल्दी से बता दो सर सिक्सटी थ्री और थर्टी सिक्स दो चीज़ें आ सकती है हाँ भाई एक बार फटाफट से बता दो एक दो और ये लो तीन तीसरा ऐसे रख लेते हैं नाइनटीन सिक्सटी थ्री फिफ्टी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फोर्टी थ्री सी बी आई ठीक है सर एक बार थर्टी सिक्स ले लो ठीक है सर एक बार थर्टी सिक्स ले लिया और एक बार ले लो सिक्सटी थ्री दोनों ऐसे कर लेते हैं क्योंकि दो ही केस बन रहे हैं ना और इंफॉर्मेशन इतनी कम है तो यहीं पर अगर आप केस बना भी लोगे ना तो कोई इशू की बात नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी कम दे रखी है चाहे तो बना लीजिएगा चाहे तो आप होल्ड पर के आगे की इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं दोनों ही करेक्ट है दोनों में ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा इसमें कम टाइम लगेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप दोनों के ईयर भी लिख लो नाइनटीन दे रखा है और सिक्सटी वाले का कितना आ जाएगा सिक्सटी थ्री वाले का आ जाएगा नाइनटीन फिफ्टी सिक्स हाँ जी ईयर सही है कि एक बार चेक करके बता देना द वन फ्रॉम फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइंट थर्टी फाइव अगो फ्रॉम टू थाउजेंड नाइनटीन अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जैक्ट ही बता दिया कि पैंतीस साल पहले भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना बता दिया है सर पैंतीस साल पहले तो पैंतीस साल पहले कितना हो जाएगा एक बार जल्दी से बता दो सर पैंतीस साल पहले कितना हो जाएगा नाइनटीन एटी एटी थ्री आ रहा है एटी फोर नाइनटीन एटी फोर आ रहा है शायद नाइनटीन एटी फोर आ जाएगा हाँ जी एक बार चेक करके बताना नाइनटीन एटी फोर बैंक ऑफ बड़ौदा का ठीक है सर और एक्सपीरियंस दे रखा है पैंतीस तो आगे पैंतीस ब्रैकेट में डाल दिया बी ज्वाइंट जस्ट आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम ओ अच्छा ओ के जस्ट बाद ओ के जस्ट बाद बी ज्वाइन करेगा याद रखना ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बी ओ के जस्ट बाद बी ज्वाइन करने वाले ठीक है।, है सर कोई टेंशन नहीं है और क्या दे रखा था ए जॉइंड इन नाइनटीन नाइनटी अब एग्जैक्ट साल आपको दे दिया है ए का उन्नीस सौ नब्बे है तो उन्नीस सौ नब्बे रख दीजिए अब सर इनकी एज क्या हो जाएगी एज सॉरी एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ठीक है सर डन है यहाँ तक कोई इशू नहीं द एक्सपीरियंस ऑफ ए इज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एफ अच्छा जी अब ए का एक्सपीरियंस उनतीस ऑलरेडी पता है अब ये लास्ट दो डिजिट्स किसकी है सर ये लास्ट दो डिजिट्स है आपके ए की सॉरी एफ की लास्ट दो डिजिट्स हैं तो यार एफ के उन्नीस भी हो सकता है और 1992 भी हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है अब आपको एक वो दे रखा था रेंज दे रखा था एक्सपीरियंस के लिए कि 1954 से पहले कोई नहीं होगा और 2001 के बाद कोई नहीं होगा ठीक है तो ये 1929 तो उसी बेसिस पे एलिमिनेट हो जाएगा कि यार 54 से पहले का साल आ गया तो इसको एलिमिनेट कर दो पीछे बचा है नाइनटी तो एफ के सामने रख दिया सर नाइनटीन और ये रहा आपका नाइनटीन हाँ नाइन जी यहां तक सभी के क्लियर है एक बार बता दो अब सर इसके बेसिस पे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा सत्ताईस आ जाएगा अब आगे लिख रखा है एफ वर्कस इन यू एफ कौन से बैंक में काम करता है यू बैंक में काम करता है लो जी डन बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक तो बिल्कुल सेट हो रहा है अब यार ये बैंक ऑफ बड़ौदा नाइनटीन एट्टी फोर थर्टी फाइव ये किसी तीनों कॉलम खाली चाहिए ये तीनों कॉलम खाली चाहिए बैंक का भी चाहिए साल का भी चाहिए और एक्सपीरियंस का भी चाहिए ऐसा कहाँ पर मिल रहा है सिर्फ बी पे मिल रहा है सर ऐसा आपको सिर्फ मिल रहा है बी वाले के सामने ठीक है सर लिख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लो जी ये भी डन ये भी लिख लिया अब दो इंफॉर्मेशन आपके पास देखा जाए तो बच रही है कि ओबीसी के जस्ट बाद बी आता है और पी सेकंड हाईएस्ट है अच्छा पी सेकंड हाईएस्ट है और अब इसमें देख लो ना सारी की सारी आपकी याद हो तो चुकी है सेकेंड हाइएस्ट इसमें कौन है केस वन में सर हाईएस्ट है फिफ्टी और सेकेंड हाइएस्ट है फोर्टी तो यहां पर इस हिसाब से पी आ जाएगा ठीक है सर अब और क्या चीजें बता रखी है और सर इसमें भी सेट कर लो उसी तरीके से हाईएस्ट कौन सा है हाईएस्ट सर आपके पास सिक्सटी थ्री है सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है फिफ्टी सिक्स अब फिफ्टी सिक्स के सामने तो सर ऑलरेडी सी बी आई लिखा हुआ है हाँ भाई फिफ्टी सिक्स के सामने ऑलरेडी क्या लिख रखा है सी बी आई लिखा हुआ है तो सर इस पर तो फिर आपका पी एन बी आ ही नहीं सकता तो उसी बेसिस पे क्या हो गया सेकेंड वाला केस तो आपका हो गया एलिमिनेट बिना टाइम वेस्ट किए ठीक है सर बहुत ही बढ़िया ये तो अच्छी चीज़ हुई

हाँ जी सर एस बी आई बच गया एसबीआई एस बी आई आ जाएगा आपका यहाँ पर और अरेंजमेंट डन है एक बार जल्दी से चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट है क्या दो यार स्टैंडर्ड से केस बन रहे थे दो स्टैंडर्ड से केस बन रहे थे और बहुत आराम से एलिमिनेट हो रहा था बहुत आराम से हो रहा था हाँ जी सभी का डन है कोई डाउट नहीं है इसमें आगे बढ़े एक सवाल और है आप लोगों के लिए एक सवाल और है लीजिए लीजिए कई चीजें हैं इसमें करो अटेम्प्ट और यार सभी से रिक्वेस्ट है सेशन पसंद आए तो लाइक तो किया करो सुबह वाले सेशन में भी बच्चे इतने सारे देख रहे थे लाइक कोई भी नहीं करके गया दो सेकेंड लगते हैं लाइक तो कर दिया करो चलो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिया है अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट आर ये आपको निकालना है सवाल आपके सामने है दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या ही सवाल है पर कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है आराम से बना लोगे कुछ भी नहीं है आराम से बना लूंगे और कल का जो सेशन रहने वाला है रिकॉर्डेड फॉर्म में एक हाई लेवल की पजल डाल दूंगा ये वाला लेवल नहीं ये तो ठीक ठाक सा लेवल है मॉडरेट सा लेवल है हाई लेवल का जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है जैसे कि हमने देखा था ना पंद्रह बीस मिनट वाला उस टाइप में एक अच्छी सी फसल डाल दूंगा डिफरेंट पैटर्न पे क्योंकि एच बी ए क्लग में कम से कम एक सवाल तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो अपने आप में यूनिक रहेगा और जिनकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होगी उनको दो मिल जाएंगे ठीक है तो कल आप लोगों के लिए सुबह मैं वो डाल दूंगा इसके अलावा एक हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन पे भी एक वीडियो डालूंगा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा शेयर कर दो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर के टाइम तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा रोज शांति से अटैम्प्ट क्वेश्चन मैंने पुटअप कर दिया है आराम से फैमिली ट्री बन जाएगी आराम से आपका लीनियर रो बन जाएगा और उसके बाद डायरेक्शन सेंस का अभी जो डायग्राम है आराम से बन रहा है बस ज़्यादा टेंशन मत लेना ज़्यादा सोचना मत पता नहीं क्या ही सवाल है आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ बिल्कुल बन जाएगा और जितने स्टूडेंट्स भी जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हो एक पज़ल हमने ऑलरेडी कर ली है मॉडर्ट लेवल की ये दूसरी पजल है दूसरी और फाइनल पजल है सेशन की आ, अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं कल पूरे दिन रीजनिंग के लिए तो यार प्ले बनी हुई है अच्छे से खूब प्रैक्टिस मिल जाएगी फटाफट फटाफट पॉज करके सारे सवाल आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो अगर मन रहे तो बाकी एक बार इकतीस तारीख का पेपर हो जाए फिर उसके बाद आगे अपने आई बी क्लर्क के लिए तैयारी करेंगे प्री लेवल पर और बाकी अपने मीन्स की कॉमन लेते हुए आरबी असिस्टेंट आर आर बी मीन्स को लेते हुए एक, एक सेशन और रखा करूंगा दो सेशन लिया करेंगे एक तो प्री के लिए और एक मीन्स के लिए यहीं पर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको बाद में बता दूंगा अभी के लिए उसको अटेम्प्ट कर लो फिर बातें करेंगे रौनित कह रहे हैं अन अकेडमी में यार, का भी शॉर्टी नहीं अन अकेडमी वालों ने मुझे यहाँ पर यूट्यूब पे दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट यूट्यूब पे दे दिया है तो वो अब चाहते हैं कि यहीं मैं अपनी यूट्यूब वाली क्लास पे लूँ यूट्यूब वाले इस पर चैनल पे लूँ उनके लिए तो अभी यहाँ अकेडमी प्लस पे तो नहीं है यार एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तो नहीं मिलने वाली कोई क्लास नेक्स्ट मंथ के लिए तो उन्होंने यहीं पर दिया है तो यहीं पर मैं काफ़ी क्लासेस लूँगा प्री और मेन्स दोनों के लिए प्री और मेन्स दोनों के लिए तो यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से डिटेल प्रैक्टिस करेंगे मिल रोनित कहते हैं सर यार ये लो है बहुत सर कुछ नहीं अब यार ये तो कंपनी की पॉलिसी होती है तो कंपनी की पॉलिसी होती है यार कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं उसमें अपने क्या कर सकते हैं कोशिश कह रहे हैं सर टू योर और हार्डवर्क चलो कोई बात नहीं।, नहीं है जी नवंबर में तो कोई क्लास नहीं होने वाली यार नवंबर में कोई क्लास नहीं होने वाली नवंबर पे मैं यहीं पर लेने वाला हूँ तभी तो आप लोगों के सामने अकेडमी की टी शर्ट पहन के बैठा हूँ उनके लिए लूँगा काफ़ी क्लासेस रहेंगी पच्चीस से तीस क्लासेस लेनी है मुझे उनके लिए यहीं पर और प्लस पे नहीं लूँगा नेक्स्ट मंथ के लिए कोई बात नहीं आप लोगों की क्या टेंशन है यार है अकेडमी पर लो यूट्यूब पर लो कंटेंट तो एकदम मत चिंता करो अच्छे लेवल का कंटेंट रहेगा रिलेवेंट कंटेंट रहेगा और सारी चीज़ें हम कवर करेंगे प्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दोनों की प्रैक्टिस साथ में पैरेलल करेंगे और बीच बीच में बोनस वीडियोस भी रहेंगे attention. थैंक यू ए जे बहुत बहुत धन्यवाद यार चलो यार करो सभी के सभी ये सारी डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे अपने आगे का क्या सीन रहेगा क्या क्या कोर्सेज रहेंगे क्या क्या क्लासेस रहेंगी कब से रहेंगी सारी बातें अपने एक बार ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद करेंगे चलो जितने लोग भी जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हो वेलकम टू द सेशन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एक सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरा सेट और ये फाइनल सेट रहेगा आज के सेशन का आप लोगों के सामने है अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन भी मैंने पुट अप कर दिया व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर पी और आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करेंगे नहीं नहीं ना एटर एडर नहीं है यार दो तीन लाइनें एक साथ मिला लो आराम से बन जाएगा ना साथ ही तो लोग हैं दो जो बड़ी लाइनें हैं ना उससे तीन जनरेशन रही है बस फिट करना है दोनों को आराम से सेट होगा यार बिल्कुल आराम से सेट होगा बिल्कुल टेंशन मत लो थोड़ा सा ध्यान से करो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें और जितने स्टूडेंट्स भी जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में सवाल आप लोगों के सामने हैं अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन भी मैंने पुटअप कर दिया इंफॉर्मेशन रही है कौन कौन सी यार एक मिनट एक मिनट कौन सी हो गई पॉइंट पी एंड आर का निकालना है बिल्कुल रोनित शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर आदेश कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है यार ये क्या गड़बड़ होगी फैमिली ट्री कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आठ मेंबर आ रहे फैमिली ट्री में गड़बड़ हो रही है यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी फैमिली ट्री में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फैमिली ट्री में तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ये क्या हो गया एफ मदर वाली इंफॉर्मेशन में गड़बड़ है क्या एक मिनट रुक जाओ। एफ मदर नहीं है क्या एफ मदर नहीं है इसका मतलब एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक ये एफ नहीं आएगी इसका मतलब एफ नहीं है ये बी आ रही है क्या एक बार चेक करके बताना ये बी आ रही है क्या एक बार चेक करके कर कर बताना बी इज दी मदर ऑफ ए एक बार चेक करके कर कर बताना एक बार चेक करके कर बताना फटा फटाफट से बी इज दी, दी मदर ऑफ ए आ रही है क्या एक बार चेक करके बताना अब एक बार चेक करके कर कर बताना एफ इज दी मदर ऑफ ए नहीं बी इज दी मदर ऑफ ए आ रही है एक बार चेक करके बताओ सी फादर पॉइंट पूजा बी हो सकता है बी हो सकता है बी हो सकता है मदर ऑफ ए हो सकता है। ठीक है बी इज दी मदर ऑफ ए करो यार करेक्शन इसका माफी चाहूंगा अब यार टाइपिंग में ये हो जाता है क्या करें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती है अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि एक टाइपिस्ट बैठा है एक कंटेंट क्रिएटर बैठा है एक वीडियो सेटअप कर रहा है तो सारी चीज़ें मुझे करना पड़ता है अब मैम भी नहीं है यहाँ पर मैम भी गई भी है तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ रहा है इसलिए हो जाती है बी इज़ दी मदर ऑफ़ ए दे रखा है इसको एफ़ की जगह बी कर दो कोई बात नहीं अच्छा सवाल है फिर भी हो जाएगा अब एफ़ की जगह बस बी कर दो आराम से बन जाएगा तब मैं सोचू यार ये या सवाल तो इतना मुश्किल नहीं है हो जाना चाहिए था आप लोगों से चलो करो एक बार बी इज दी मदर ऑफ ए एक बार करके देखो बी इज दी मदर ऑफ ए से आंसर आ जाएगा फिर हो सकता है फिर हो सकता है फिर हो सकता है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल पूजा फर्स्ट जनरेशन में ही आएगा बी इज द मदर ऑफ अच्छा एफ इज द फादर ऑफ ए कर दें तो सेट हो जाएगा ऐसा बोल रहे हो सिटिंग डन है फैमिली ट्री बन रहा है क्या एक बार ये बताना बी इज दी मदर ऑफ ए के बाद फैमिली ट्री कंप्लीट हो रहा है कि एक बार जल्दी से बताओ नहीं तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ <coughs> हाँ भाई फैमिली ट्री बन रहा है कि एक बार जल्दी से बता दो नहीं तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फिर देखे तो उसे क्या गड़बड़ आ रही है चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं एक मिनट रुक जाओ फिर फैमिली देर आर थ्री जनरेशन ओनली मैरिड कपल्स है स्टैंडर्ड इनेशन है each of them have different number of तो दो तीन पांच छः सात नौ और ग्यारह नंबर्स आपको दे रखे हैं. ऑल मेंस फ्रॉम ईच अदर विद टोटल छत्तीस मीटर अच्छा टोटल लेंथ छत्तीस है और सात लोगों को बिठाना है तो छः मीटर का गैप आ गया इसका मतलब छः इन छः छत्तीस आ गया ठीक है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ठीक है यार इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं एक मिनट रुको इन्फॉर्मेशन से बारी बारी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये जो इसको तो यहां पर बना लेते हैं जल्दी से ये जो एक दो तीन चार पाँच छ सात कितने कितने गए गए आप छ मीटर छ मीटर छ मीटर छ मीटर छ मीटर और छह मीटर ठीक इस है सर इसको लिख के रख लेते हैं फैमिली ट्री अपने बना लेंगे इस तरफ राइट right साइड में बना लेंगे की जो है है। है। है है? वो G से ज्यादा ठीक है। है? किसका नेबर भाई? Lowest का। lowest किसके पास है? दो वाला है ना दो जिसके पास है वो लोएस्ट आ गया ये दोनों नेबर्स हो गए ठीक है इज ब्रदर्स फादर्स ओनली सिस्टर्स मदर इज बी ओहो ये तो काफी खतरनाक रिलेशन हो गया क्या बोल रखा है इज ब्रदर्स फादर्स ओनली सिस्टर्स ओनली सिस्टर्स मदर मतलब इसकी भी मदर हो जाएगी वो कौन है बी है ठीक है अब एक लाइन पहले बता रखा था ना यार जिनके भी बच्चे हैं ना चिल्ड्रन जिनके भी हैं, वो मैरिड कपल है यार इसके बच्चा है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई बीवी भी, 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 भी रहेगी ऑब्वियसली बात है अब सर इनकी मदर है तो इनके फादर भी रहेंगे हंड्रेड परसेंट बात बोल रखी क्योंकि तो जिनके भी बच्चे हैं उनके वो मैरिड कपल है हंड्रेड परसेंट मतलब दोनों पेरेंट्स हैं ठीक है यार और क्या दे रखा था आगे बढ़ते ई हु हैज सेवन टॉफीज अब ई e की टॉफी बता दी ई e के पास आपके पास सात ट्रॉफी इज एन इमीजिएट ये ई e और डी क्या है एक दूसरे के इमीजिएट नेबर है ठीक है सर बंद कर दिया डी हु हैज दी सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज डी के पास सेकेंड हाइएस्ट है सेकेंड हाइएस्ट कितना हो गया यार नौ हो गया ठीक है तो डी की नंबर ऑफ टॉफी आ गई आपकी नाइन आ गई कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सीज ब्रदर्स फादर्स, डॉटर्स इन लॉज ओनली सन चलो बारी बारी से इसका सी का भी देखते हैं सी का भी देखते हैं आ, सीज ब्रदर सी का कोई भाई है और उनके फिर इन दोनों के कोई पिता हैं फिर उनकी कोई बहू है तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी बीवी है ठीक है सर अब इनका एकमात्र कोई बेटा है वो कौन है सर जी है

आपके बी से दो प्लेसेस अवे दो प्लेसेस सबसे पहले तीन प्लेसेस अवे मतलब दो का गैप है इससे सर ई से ठीक है और क्या बता रखा था और ये बी का ए से दो प्लेसेस अवे मतलब एक का गैप है ए से तो ये आपका ए आ गया ठीक है यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अब ये एफ की जगह मैंने बी करवा दिया था बी इज दी मदर ऑफ ए बी क्या है मदर है किनकी ए की मदर है ठीक है आ, बी ए की मदर है तो ए यहाँ पर भी आ सकते हैं ए यहाँ पर भी आ सकते हैं पर सर नहीं आ सकते ना यहाँ पर नहीं आ सकते ना क्योंकि इन दोनों को अगर आप मिला दोगे ना इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी ये बताओ इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो क्लैरिटी एक बार मिल चुकी है कि सर यहाँ पर ये जो माइनस वाला है ये क्या है सी है इसका कोई भाई है वो कौन बन जाएगा सर वो बन जाएगा ए बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बिल्कुल हंड्रेड बनेगा सर और ये जो इनका बेटा आ रहा है ये कौन है यहां से पता चल रहा है जी आ रहा है यार एक दो तीन चार पांच छह सात तो सेट ही थे आराम से पूरा का पूरा बैठ रहा है ठीक है सर ए बैठ गया सी बैठ गया बी बैठ गया जी बैठ गया ई e बैठ गया कोई टेंशन नहीं है अब और क्या दे रखा था मदर ऑफ ए अच्छा ए की जो मदर है बी है इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल अच्छा बी को आपको बिल्कुल मिडल पे बिठाना है ये हुई ना बात बी थ्री अब दो के गैप पे ई है तो यार दोनों तरफ बन सकता है तो अभी उल्टे रखते हैं और क्या बता रखा था और सर बता रखा है सी हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफी सी के पास सबसे ज्यादा टॉफी है मतलब कितनी ग्यारह टॉफीज हैं सर इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रूम बिल्कुल लेफ्ट में बैठेगा तो ठीक है सर सी ग्यारह आ गया आपका अब यार ये ई e वाला तो सेट कर लूंगा मैं बी और ई e में दो का गैप तो एक दो इस तरफ तो नहीं आएगा दूसरी तरफ ही आएगा एक दो यहाँ पर आ जाएगा आपका ई आ जाएगा ठीक है सर ए का भी पता नहीं है सर यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ पर भी आ सकता है तो उल्ट पे रखते हैं इसको इसको पर रखते हैं और क्या दे रखा था सर ये ई e का सात बता रखा था और ई e का बिल्कुल नेबर कौन है डी है ये कौन था नो no था ठीक है सर ये भी डन अब सर ये बी थ्री और ए में एक का जो गैप था ना ये आप फिल कर सकते हो राइट साइड में तो नहीं है लेफ्ट साइड में ए आ जाएगा और अभी तक इसका पता है क्या नंबर ऑफ नहीं सर अभी नहीं पता है ठीक है कोई टेंशन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं सी ग्यारह भी आपने रख दिया है और क्या क्या चीज़ें दे रखी थी चलो यहाँ तक तो सर बिल्कुल बैठ रहा है आफ्टर सिटिंग द स्टार्ट मूविंग सीज ब्रदर सी का ब्रदर ये वॉक्स टू वर्ड्स ठीक है अब यार क्या क्या चीजें बच गई ये तो काफी चीजें बच गई यार इस हिसाब से ये तो सर आपकी बहुत चीजें बच गई सीज ब्रदर ठीक है सी का भाई तो ए आ गया और क्या दे रखा था सी का भाई दस मीटर मुड़ेगा और ये सब तो कर लेंगे ए turns टू वर्ड सी ठीक है ये भी कर लेंगे फ्रॉम द राइट ठीक है ठीक है ठीक है जी वॉक्स इन नहीं यार ये तो ये तो आपके गड़बड़ हो गई ना एफ का आपका टू आ रहा है एफ का टू तो ठीक है एफ का टू है तो जी का कितना आ जाएगा एफ का टू कैसे आ गया यार एफ और टू पास पास है अच्छा ये बता रखा है एफ और टू पास पास है और एफ जी से बड़ा है तो क्या क्या वैल्यूज बच गई एक बार बताना मेरे को वैल्यूज में क्या क्या बच गई एफ और टू पास पास है टू तो नहीं हो सकता तो पीछे क्या क्या बच गया सर तीन चला गया है दो चला गया है नौ सात ग्यारह और क्या क्या बच गया पीछे सर पांच हो सकता है छ हो सकता है पांच और छ हो सकता है पांच और छह में से ऑब्वियसली क्या आ जाएगा अब एक बार जल्दी से बता दो यार पांच और छह बच गया पांच और छ बच गया ना तो आप ऐसा करो कि यहां पर तो एफ आने सर यहाँ यहां पर तो आपका एफ आएगा नहीं ऑब्वियसली बात है तीन और नौ के पास तो नहीं है दो के पास है ये नहीं बन ठीक है सर अब इसका मतलब एफ आपका यहां पर सेट होगा अब ये तो तीन है इसका मतलब एक क्या आ जाएगा एक को दो आना पड़ेगा तभी तो एफ और दो नेबर बन पाएंगे और कोई तो सिचुएशन ही नहीं है ये तो गया सर अब जी बचाए जी को यहाँ प्लेस कर दो अब एफ और जी के लिए क्लियरली बता रखा है कि एफ है जी से तो एफ छ आ जाएगा और जी आ जाएगा पांच हाँ भाई यहां तक डन है कि एक बार जल्दी से बता दो फिर मैं नीचे वाली इन्फॉर्मेशन तो इरेज करता हूँ एटलीस्ट आपका लीनियर रो की तो जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो रही है बहुत आराम से लीनियर रो की अरेंजमेंट आपके आराम से कंप्लीट हो रही है और डायरेक्शन का भी बन जाएगा डायरेक्शन और लीनियर अरेंजमेंट तो बन जाएगा अपने फैमिली ट्री के बारे में एंड में बात करते हैं फैमिली ट्री के बारे में एंड में बात करते हैं एक बार डायरेक्शन वाला कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर सिटिंग दे स्टार्ट मूविंग सीज ब्रदर सी का भाई कौन है सर सी का भाई तो पता है मुझे ए है ठीक है सर ए है ए के साथ क्या सीन है ए वॉक्स टूवर्ड साउथ दस मीटर ए दस मीटर साउथ जाएगा ठीक है सर साउथ बेच दिया इसको दस मीटर उसके बाद क्या होगा राइट टर्न लेगा सर अब इसके लिए राइट टर्न किस तरफ हो जाएगा ये बता दो सर इसके लिए राइट टर्न इस तरफ हो जाएगा कितना चलेगा वॉक्स ट्वेंटी फोर मीटर अच्छा जी वॉक्स ट्वेंटी फोर मीटर ट्वेंटी फोर मीटर तो काफी लंबा चला जाएगा यार लिख लेते हैं अभी के लिए उस तरफ जगह नहीं है ट्वेंटी फोर मीटर तक कर लो और कहां पर पहुंच जाएगा पॉइंट आर तक पहुंच जाएगा ठीक है सर लेट सजूम यहां तक तो कर लिया ठीक है अब आगे क्या बोल रखा था ए टर्न एंड वॉक्स टूवर्ड्स सी अच्छा ए वॉक्स टूवर्ड्स सी ए टर्न एंड वॉक्स टूवर्ड्स सी फॉर छ मीटर अच्छा जी ए मुड़ता है और छह मीटर सी तक चलता है तो ये पहुंच गया यहां पर ठीक है सर टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स सेवन मीटर अब ऊपर की तरफ कितना जाएगा ऊपर की तरफ सर ये चला जाएगा सात मीटर चला जाएगा ठीक है सर यहां पर ये आ गया फ्रॉम देयर टर्नस राइट एंड वॉक्स बारह मीटर अब इधर से बारह मीटर चलेगा छ ये

इनिशियल से ही लेना है यहां से आर से यहां पे चला के ए को कैसे चलाओगे कुछ भी नहीं निकलेगा प्रियंका फिर ऐसे तो प्रियंका कुछ नहीं निकलेगा यहां से कैसे लेके जाओगे सी की तरफ कुछ नहीं निकलेगा ऐसे सवाल मत पूछा करो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा है जी वॉक्स एट मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन जी कितना चलता है सर आठ मीटर है ये सात मीटर था थोड़ा याद रखना तो ठीक है सर ध्यान रख लेंगे इसको आठ मीटर मान लेते हैं इसको आठ मीटर माना अब इसके बाद क्या करेगा राइट में मुड़ रहा है सर छः मीटर चल रहा है अच्छा छः मीटर मतलब डी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और कहाँ पहुँच गया पॉइंट पी पे पहुँच गया अब निकालने के लिए क्या बोला था मैंने किस किस के बीच में पी और आर के बीच में बोला था तो यार पी और आर में अगर अपने चेक करें तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल चेक कर लो कितनी है छः प्लस छः बारह छः अठारह अठारह छः चौबीस समझ रहे हो चोबिस और चौबीस के बाद फिर और चौबीस कितना आ गया सर अड़तालीस मीटर आ रहा है क्या ओरिजोनटल डिस्टेंस कितना आ रहा है एक बार ये बता दो डिस्टेंस कितना आ भाई? 48 मीटर आ रहा रहा है है भाई मीटर मीटर क्या से एक बार बताना जल्दी से बता दो एक बार कंफर्म कर दो ठीक है अब वर्टिकल देख लेते हैं यार वर्टिकल कितना है सर आठ मीटर यहां से लेके यहां तक आठ मीटर और इससे नीचे दस मीटर आठ प्लस दस कितना हो गया अठारह आ गया अब कुछ नहीं करना है सर पी और आर का आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया था तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट फोर्टी एट का स्क्वायर और एटीन का स्क्वायर अब इसकी वैल्यू बता दो फटाफट से क्या वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट फोर्टी एट का स्क्वायर प्लस एटीन का स्क्वायर हां जी हाँ जी हाँ जी जल्दी से बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन का तो आंसर आ गया आराम से क्वेश्चन का तो इसका तो आंसर आ गया है कोई टेंशन वाली बात नहीं हाँ भाई फटाफट फटाफट बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी यार टू सिक्स टू एट का फर्दर नहीं हो रहा है क्या टू सिक्स टू एट को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे क्या आप लोग टू सिक्स टू एट को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे क्या सिक्स फाइव सेवन आगे नहीं होगा शायद नहीं नहीं ये भी हो जाएगा ये नहीं होगा नहीं ये भी हो जाएगा ये नहीं होगा हाँ ये नहीं होगा सेवनटी थ्री नहीं होगा सेवनटी थ्री नहीं होगा अब अभी दो का पेयर और तीन का पेयर बन गया है क्या दो तीन छः छह अंडर रूट सेवनटी थ्री छह अंडर रूट सेवेंटी थ्री आ रहा है क्या एक बार चेक करके बताना छह अंडर रूट सेवेंटी थ्री आ रहा है क्या एक बार चेक करके बताना फटाफट से टू सिक्स टू एट का अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो यही वैल्यू आती है कि एक बार चेक करके बताना फटाफट से हाँ जी जल्दी से चेक करके बता दो एक मिनट लगेंगे यही आ रही है कि एक बार चेक करके बता दो छंड रूट सेवेंटी थ्री आ रही है क्या अब यार सवाल ये नहीं था अब देखो सवाल तो आपने आंसर कर दिया आराम से बन भी गया अब इसमें यार गड़बड़ क्या हुई अपने से यहाँ पर माफी चाहूँगा पर क्या कर सकते हैं अब क्या कर सकते हैं इतना टाइप करना पड़ता है मेरे को हेल्प अभी मिल नहीं रही है तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ क्या रही एक मिनट के लिए सुनिएगा यहाँ पर मैंने फादर वाली चीज़ तो बिल्कुल सही लिखी थी मुझे ऐसा लग रहा है ये सॉरी एफ वाली चीज़ बिल्कुल सही लिखी थी एफ़ और ए तो बिल्कुल सही लिखा था यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना ये मेरे को मदर नहीं ये यहाँ पर लिखना चाहिए था फादर यहाँ पे मदर नहीं मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए था सर फादर अब मैं यहाँ पर अगर फादर ले, ले लेता हूँ ना तो देखो वेंडाइग्राम कितनी आराम से बन जाता है एफ फादर हैं किन के ए के फादर हैं एफ ए के फादर हुए जैसे एफ ए के फादर हुए उसके बाद अब आपका ये भी सेट हो गया हाँ भाई यहां पर कौन आ गया डी आ गया पूरा का पूरा डायग्राम आपका सेट है ई का जेंडर पता चल रहा है क्या ई का जेंडर पता चल रहा है क्या एक बार जल्दी से बताना मेरे को एक चीज कहीं पर ऐसा कुछ लाइन लिखा हुआ है क्या जहां से जेंडर पता चल रहा हूं हाँ भाई ई का जेंडर किसी को पता चल रहा हो तो कमेंट करके बता दो ई का जेंडर पता चल रहा है क्या ओनली सन बता रखा था क्या ये रहा सीज ब्रदर्स फादर्स डॉटर इन लॉज ओनली सन ये ओनली सन था क्या ये ओनली सन से पता चल गया सर ओनली सन से पता चल गया तो ये जी ओनली सन हो गया और ये आ गया आपकी डॉटर लो भाई फैमिली ट्री कंप्लीट माफी चाहूंगा यहाँ पर यह एफ क्या नहीं था यार ये एफ का नहीं था आपको करना था ये मदर की जगह फादर था मदर की जगह फादर था मैंने करेक्शन वैसे करवा तो दिया था पर वो करेक्शन वो कुछ काम का नहीं था करेक्शन काम का ये था इससे अब आपकी फैमिली ट्री हो जाती है कंप्लीट पर आंसर निकालने में कोई इशू नहीं आ रहा था आंसर निकालने में कोई इशू नहीं आ रहा था सर आंसर तो आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसमें फैमिली ट्री का इतना कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था जितना रिक्वायरमेंट था उतना तो आपको दे रखा था जितना रिक्वायरमेंट था उतना तो दे रखा था आपको ये आंसर निकालने के लिए तो आपको फैमिली ट्री की ये करेक्शन की जरूरत नहीं थी पर फिर भी अपने करेक्शन कर लेते हैं एफ इज द फादर ऑफ ए कर देना फैमिली ट्री भी बन जाएगी लीनियर रो भी बन जाएगा डायरेक्शन सेंस का डायग्राम भी बन जाएगा हाँ जी क्लियर है कोई डाउट नहीं है अब यार जाने से पहले एक बात सुनते जाओ मेरे से आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी से रिक्वेस्ट है भागना मत दो सेकंड के अंदर ऐसे नहीं कि दो सेकंड के अंदर बिल्कुल ही चार पांच बच्चे बचे थोड़ा सा दो मिनट के लिए सुनिएगा सबसे पहले तो यार आ, कल मेरी फाइनल क्लास रहेगी एक बार ये मैं क्लियर कर देता हूँ कल मेरी फाइनल सेशन रहेगा एस बी आई क्लर्क मीन्स के लिए रात वाला अपना सेशन नहीं रहेगा मॉर्निंग वाला सेशन रहेगा और मॉर्निंग में भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूँगा मॉर्निंग में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा एक हाई लेवल पजल डाल दूंगा पंद्रह बीस मिनट लेने वाली जो पजल है ना सॉल्व कर लेना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर से पहले थोड़ा सा अलग पैटर्न पे रखेंगे एक अलग पैटर्न पे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे रख लेंगे यूनिक पैटर्न पे एक अच्छे लेवल की पजल मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कल दूंगा ठीक है फिर आठ बजे क्लास नहीं होने वाली एट पी पे कोई क्लास नहीं रहेगी क्योंकि फिर आठ बजे बहुत लेट हो जाता है यार परसों तो आप लोगों का पेपर ही है तो उस टाइम तक ये सब स्ट्रेस नहीं लेना है जीके का हल्का फुल्का करंट अफेयर्स का रिविजन करते रहना और ज्यादा सोचना मत ऑलरेडी आप लोगों ने तैयारी काफी अच्छी कर ली है तो अपनी जो प्रिपरेशन है उससे कॉन्फिडेंस डिराइव किया करो देखो हमेशा जब भी मैं पेपर देने जाता था ना बहुत ही चिल होकर जाता था उससे पहले क्योंकि मैंने जिंदगी की सारी टेंशन ले ली थी सारे पेपर में मैं फेल हो गया था टेंशन ले लेकर तो फिर एस बी आई में मैंने एकदम सिंपल सा फंडा आजमाया था कि बिल्कुल यार चिल होके मैं दूंगा और बाहर आने के बाद कभी भी मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताता था हमेशा ये कहता था कि बढ़िया हुआ है मस्त हुआ है जिससे वो भी एकदम रिलैक्स हो जाए वरना उससे पहले हमेशा मैं उनको बताता था वो टेंशन लेते थे फिर वो आ, और ज़्यादा फैलता था, था परपुचुएट हो जाता था हर जगह पर बाकीों को जो पूछता था, था उनको भी सच सच बता देता तो एस में हमेशा ये करता था मैं कि पेपर जब भी देख आता था कि बढ़िया हुआ है तो वो भी रिलैक्स हो जाते थे मैं तो वैसे ही रिलैक्स हो ही देता था तो यही आप करना एकदम रिलैक्स होके देना आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं यार आर आर के एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के आई बी क्लर्क आएगा और अब तो सिचुएशन थोड़ी ठीक लग रही है यार एल आई के भी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कल परसों ही मेरी बात हुई थी मेरे जो एज ए असिस्टेंट जो वर्क कर रहे हैं ना वो बता रहे थे कि सर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है अगर ए का अगर क्लियर हो जाता है कंटीजेंसी उसके बाद एल असिस्टेंट वेट लिस्ट का है वेट लिस्ट के बाद फिर आपकी डब्ल्यू की भी काफ़ी चीज़ें आप आने वाले दो तीन महीने में काफ़ी चीज़ें देख सकते हो तो टेंशन मत लो मस्त ओके पेपर देना कल अपनी एक ही क्लास रहेगी क्वांट्स की पूछ रहे हैं मैथ्स की मैथ्स की नहीं रहेगी यार आदेश सिंह सर की आज की जो क्लास थी ना सवा छः की फाइनल सिंह सर बोल रहे थे कि यार कल तो फिर रिलैक्स ही करे बच्चे तो कल मैं आप लोगों के लिए हाई लेवल पजल की एक डाल दूंगा अब इसके बाद क्या रहेगा इकतीस तारीख को मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस डालूंगा दोनों शिफ्ट का शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों का डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं डालूंगा कि लेवल क्या था किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए सारी बातें ठीक है इकतीस अक्टूबर को इकतीस अक्टूबर को और आप लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहूँगा जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं ना चिंता मत करो व्हाट्सअप पर आप लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहूँगा जिससे कि मुझे पता चलता रहे यार किस स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया क्या अटैम्प्ट किया बहुत ज़रूरी है ये मेरे लिए जानना और फिर एक तारीख से लेके कर छः तारीख तक यार मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा एक से लेके कर छः नवंबर तक मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा घर में शादी है तो शादी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं आपको पता ही है इंडियन शादियाँ कैसी होती हैं पूरा का पूरा टाइम अच्छे से वेस्ट करते हैं तो एक से लेके कर छः तारीख तक शादी है घर में तो उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट फंक्शन सारी चीज़ें तो एक से लेके कर छः तक मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा और फिर सात नवंबर से अपने तरीके से स्टार्ट करेंगे सेवेंथ नवंबर से अपने तरीके से स्टार्ट करेंगे दो क्लासेस के साथ दो नए कोर्सेज के साथ एक तो आई एक तो प्री के लिए रहेगा प्री में अपने आई क्लर्क प्री और बाकी जो नए बच्चे हैं जो री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्री लेवल की प्रैक्टिस रहेगी फिर एक रहेगी अपने मेन्स की मेन्स में अपने आरबी असिस्टेंट मेन्स आर आरबी क्लर्क मेन्स सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे ठीक है सर hmm, यस yes, मेरा सेकंड शिफ्ट में है मेरा एडमिश करने था पी ओ का यार कोमल एक बार फिल कर दिया ना प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगता है देखो मैंने जो नोटिफिकेशन से पढ़ा है ऐसा डिटेल में कुछ मेंशन नहीं था पर चीज को अगर अपने एक्सक्लूसिवली पढ़े ना तो उसमें बोला था जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था अब एग्जाम नहीं दिया था ये नहीं बोला है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था ये बोल रखा है उन्होंने ये नहीं बोला कि जिन लोगों ने इस दिन एग्जाम नहीं दिया था उसके लिए उसमें बोला गया है कि जिन लोगों ने इस दिन अप्लाई नहीं किया था बाकी आप क्लैरिटी यार एक बार आई में फोन करके देखना वैसे तो उठाते नहीं है जनरली बहुत ही नलायक है बहुत ही रेयरली उठाते हैं तो कॉल करने की कोशिश करना पूछना उनसे अगर पता चल पाए तो बाकी मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो शायद नहीं अप्लाई कर पाएंगे ठीक है अब जाने से पहले फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ यार पेपर तो आप बढ़िया दोगे ही दोगे हंड्रेड विश्वास है मुझे बाकी व्हाट्सअप पर आप सब जुड़े हुए मुझसे हाँ भाई कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़ जाओ यार कांटेक्ट में अ, मेरा नंबर होना चाहिए आप लोगों के पास कोई भी डाउट रहे है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो कुछ भी सजेशन चाहिए परेशान फील कर रहे हो अपने कोई टेंशन नहीं आप लोगों के लिए हंड्रेड परसेंट हमेशा अवेलेबल रहता हूँ मैं ठीक है अब एक नवंबर से ये जो फ्री टेस्ट सीरीज आ रही है ना अन अकेडमी के बता बता के थक गया हूँ यार बता बता के थक गया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एक नवंबर से स्टार्ट होगी इसके लिए अनर जरूर कर लेना

सुबह वाला सेशन कोई अटेंड किया था तो एक होमवर्क दिया था उसमें डी टॉप पे आ रहा था शायद डी आपका टॉप पे आ रहा था जहां तक मुझे याद है डी बिल्कुल टॉप पे आ रहा था उसमें कहां कोई भी हो था, आराम से तो बन रहा था बाकी मैं पूरा का पूरा अरेंजमेंट कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा सर आई एंड जी सेवन वाली कंडीशन आई एंड जी सेवन वाली कंडीशन क्या हो रहा था उसके अंदर आई एन जी सेवन वाली कंडीशन में क्या था एक मिनट रुक जाओ नहीं नहीं ई टॉप पे नहीं आएगा ई नहीं आएगा टॉप पे एक मिनट रुक जाओ चलो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ एक मिनट रुकना थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा शांति रख लो तो मैं यहीं पर बता देता हूँ आप लोगों को क्या था एक मिनट उसका मैं अरेंजमेंट आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर क्या बन रहा था कहीं खाली जगह मिल जाए यार खाली जगह भी मिलना मुश्किल है चलो यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ बना के दे देता हूँ मैं फटाफट से इसको यहां से क्लियर कर लेते हैं वेट करो ये अरेंजमेंट बनना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है सबसे टॉप पे आना चाहिए आपका डी आना चाहिए और डी का जो लेंथ है वो पांच है ठीक है उसके बाद आपका नेक्स्ट आना चाहिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक डी आ रहा है फिर उसके बाद कौन आ रहा है जी आ रहा है जी का आपका दस है उसके बाद P आ रहा है, P आपका E है और इसका कितना है पाँच है उसके बाद आपका H आ रहा है और H का कितना है दस है उसके बाद आपका आ रहा है B आ रहा है और B का कितना है B का भी पाँच है उसके बाद आपका आ रहा है F आ रहा है और F का कितना दे रखा है आपने F का दे रखा है पाँच और उसके बाद आ रहा है आपका A आ रहा है और A का कितना है दस है देन उसके बाद आ रहा है आपका आई आई का कितना दे रखा है आई का दे रखा है आपका पांच और फाइनली अपना जो सबसे नीचे है वो आ रहा है सी और सी का है दस हाँ भाई ये अरेंजमेंट फाइनल बन रही है चेक कर लो ये अरेंजमेंट फाइनल बन रही है चेक कर लो ठीक है चेक कर लेना जो होमवर्क जो पजल थी ना होमवर्क पजल जो थी मॉर्निंग वाले सेशन की उसका फाइनल ये बनेगा बाकी मैं पिन भी कर दूंगा नीचे पिन भी कर दूंगा वहां पर कमेंट सेक्शन में यही मॉर्निंग सेशन का ये फाइनल ये बनता है ठीक है हाँ भाई ठीक है मेरा ई आ रहा टॉप पे नहीं संपदा ई टॉप पे नहीं आएगा वो एलिमिनेट हो जाता है यार केस ओके केस एलिमिनेट हो जाता है चलो ठीक है तो आज के सेशन में फिर इतनी बात करते हैं अब सीधा अपने जुड़ेंगे रिकॉर्डेड तो मैं डाल ही दूंगा रिकॉर्डेड तो मैं डाल ही दूंगा इसके अलावा इकतीस तारीख को जब लाइव एनालिसिस दूंगा ना उस टाइम अपने मिलेंगे सीधा ठीक है तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बाकी व्हाट्सएप पे तो आप सभी को विश कर ही दूंगा बाय पोस्ट भी विश कर दूंगा पर जो जो लोग व्हाट्सअप पे भी नहीं है पोस्ट भी नहीं देखते हैं और यहीं पर मुझसे जुड़ते हैं उन सभी को इकतीस तारीख वाल, वाले इकतीस तारीख वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक अपना बेस्ट दीजिएगा बाकी इधर उधर की चीज़ें मत सोचिएगा अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिएगा फ्री माइंड से जाइएगा देखो आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी की है उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा पेपर जरूर लिया ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में फिर इतना ही नाउ डेट सॉल्व फॉर टुडे सेशन गुड नाइट टेक केयर